हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सीरीज का पार्ट 4 है। इस स्वतंत्रता संघर्ष की सीरीज में मैंने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सीरीज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जो शब्द जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। आपको बता दें ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी भारत 1915 ईस्वी में आए थे और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था और यह महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। आपको ये भी बताते चलूँ कि चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी ने कुर्ता पहनना और पैरों में जूता जो पहनने का चलन था उसे बंद किया था। इसके अलावा 1918 के मिल मजदूर के संघर्ष में महात्मा गांधी ने सहयोग दिया था, उनका नेतृत्व किया था और इस यहीं से इन्होंने सिर पे पगड़ी बांधना भी बंद कर दिया था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया गया था, यहाँ से इन्होंने खादी कपड़ा, पूर्ण रूप से खादी कपड़ा पहनना स्टार्ट किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खादी कपड़े की शुरुआत महात्मा गांधी ने पहनना कब से शुरू किया, तो 1918 से, किस सत्याग्रह के बाद, तो खेड़ा सत्याग्रह के बाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? तो गांधी जी ने जिसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को एडॉल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी, नेता जी की उपाधि एडॉल्फ हिटलर ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने ही 1944 में सिंगापुर के रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया था या किसने पहले संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना किसने की थी? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने इस माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में अपने जीवन के सारे जो भी हैं जीवन के संघर्षों को इसमें व्याख्या की है और यह माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो पहले महात्मा गांधी अपने जीवन के जो भी पल रहे हैं उनको गुजराती पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित करते थे, नवजीवन में प्रकाशित करते थे गुजराती भाषा में। बाद में इसी का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया के नाम से किया जाने लगा, यंग इंडिया के नाम से, और इंडियन ओपिनियन के नाम से साउथ अफ्रीका में प्रकाशन किया जाने लगा। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है और यह किसका है, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। पहले इसका प्रकाशन जो महात्मा गांधी किया करते थे वो कहाँ करते थे, गुजराती भाषा में, किस नाम से, तो नवजीवन। दूसरा अंग्रेजी भाषा में भारत में जो किया गया वो यंग इंडिया के पत्रिका में, यंग इंडिया, और साउथ अफ्रीका में जिस नाम से प्रकाशन किया गया इसका वो था इंडियन ओपिनियन। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यही सारे ऑटोबायोग्राफी का ही ट्रांसलेशन कहाँ कहाँ किया गया, तो नवजीवन में गुजराती भाषा में, यंग इंडिया पत्रिका में अंग्रेजी भाषा में, और इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में किया गया था। तो यहाँ से ये सारे याद रखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जिसे जाना जाता है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमत की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किसके समर्थन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC किस समर्थन में किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में 1943 ईस्वी में दिया था, 1943 में दिया था। अगला प्रश्न है,
काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती जो भी थी वो काको 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम जिसे कहा जाता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, और कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दी थी। आपको बता दें मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो गवर्नर जनरल जो पहले बने थे पाकिस्तान के वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे लियाकत अली। और जब पाकिस्तान गणतंत्र राष्ट्र बना 1956 में, तो उस समय पाकिस्तान के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बने थे इस्कंदर मिर्जा। तो आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 650 से ज़्यादा रियासत का एकीकरण किया था, इसी कारण से सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चितरंजन दास। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन थे? तो इकबाल थे। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा की रचना की थी, सारे जहां से अच्छा। आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के मद्रास अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम देश की मांग की थी और बात भी उठाया था, मुस्लिम देश की मांग, ना कि एक पाकिस्तान देश की मांग। तो पाकिस्तान की जो मांग की थी वो किसने की थी? पाकिस्तान देश की मांग जो की थी वो किया था रहमत अली ने। आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान नाम के देश की जो बात उठाया था वो रहमत अली ने, जबकि अलग मुस्लिम देश का जो बात उठाया था वो इकबाल ने उठवाया था। अगला प्रश्न है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीन बंधु के नाम से C.F. Andrews को जाना जाता है। C.F. Andrews का फुल फॉर्म जो होता है वो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ होता है। और चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ को दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने, इनके गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफार खान ने की थी। और यह क्यों की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में किया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के भारत की आज़ादी और तत्कालीन भारत के समय के सारे बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या की है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसमें? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि कई बार एग्जाम में रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम के पुस्तक की रचना किसने की है यह सवाल पूछा जाता है। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर पूछ ले रीडिस्कवरी, तो उसकी रचना जो किया था वो मेघनाथ देसाई ने किया है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने रचना की है और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना मेघनाथ देसाई ने की है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, मन में प्रश्न आ सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? तो क्रिप्स मिशन के भारत आगमन का जो प्रमुख कारण था वो था कि भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। ब्रिटेन चाहता था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करे, इसी के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और
इस समय जो यहाँ के वायसराय थे वो कौन थे? लिन लिथगो, लिन लिथगो। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी नामक स्थान से किया था। गांधी जी ने दांडी नमक समुद्र के तट पर नमक कानून को भंग करके 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, जिन्ना होगा, जिन्ना 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 एक राजनीतिज्ञ है, यह किसने कहा था? तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन के बाद से की गई थी। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है, चटगांव संयंत्र से कौन संबंधित है? चटगांव षड्यंत्र से जो संबंधित है वो है सूर्य सेन। अब मन में ये प्रश्न आ सकता है, ये चटगांव षड्यंत्र क्या था? तो चटगांव षड्यंत्र क्या था कि चटगांव नामक एक स्थान था जो कि अभी बांग्लादेश में है। यह पुलिस शस्त्रागार पर छापे की एक योजना थी। चटगांव संयंत्र क्या था? एक पुलिस शस्त्रागार पर छापे की योजना थी और वहाँ से जो भी पुलिस के शस्त्र हुआ करते थे, गोली या बंदूक बारूद, उनको लूटने का योजना था। और योजना जो बनाई थी वो सूर्य सेन ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता खान अब्दुल गफार खान थे। खान अब्दुल गफार खान, आपको बता दिया मैंने पहले ही कि खान अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। और इसका जो मतलब होता है, ईश्वर के बनाई दुनिया का सेवक होता है। इसके अलावा इसी लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दल के लोग लाल कुर्ती के कपड़े पहना करते थे, लाल कलर के। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को, 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, ये मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस इसलिए मनाया क्योंकि ब्रिटेन ने बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सलाह से, बिना उसको विश्वास में लिए ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का एक युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिया। मतलब भारत से बिना विचार विमर्श किए ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। इसी कारण से कई जगहों पे कांग्रेस के सदस्यों ने क्या किया था? इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया था। इसी कारण से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का दिया हुआ चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को। अच्छा, क्रिप्स मिशन क्यों आया था? तो भारत का सहयोग प्राप्त करने द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहे थे, तो वो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के समय रहे थे वे थे लुई फिशर। लुई फिशर करीब एक हफ्ते तक महात्मा गांधी के साथ रहे थे। इसी कारण से लुई फिशर ने अ वीक विद गांधी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस अ वीक विद डेली अ वीक विद गांधी में लुई फिशर ने गांधी जी के डेली रूटीन, जो डेली कार्य होते हैं, उनकी चर्चा की है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो अल हिलाल समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल, अच्छा, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने कब किया था? तो 1912 ईस्वी में किया था। मन में प्रश्न आ सकता है कि अल हिलाल का मतलब क्या होता है? तो हिलाल, अल हिलाल का मतलब होता है नया चांद का उदय। और इस अल हिलाल का जो प्रकाशन किया गया था वो उर्दू भाषा में किया गया था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में किया गया था कब? 1912 ईस्वी में। और इसका मतलब क्या होता है? नए चांद का उदय। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध जिस आंदोलन से है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अच्छा, वानर सेना और मंजरी सेना क्या होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, इसमें बच्चे बूढ़े सभी सम्मिलित हुए थे। इसी कारण से एक दल का गठन किया गया था, वानर सेना। इस वानर सेना में क्या था कि जो बच्चे हुआ करते थे उनको शामिल किया गया था, बालक बच्चे जो हुआ करते थे, बालकों की एक सेना थी जिनको कि वानर सेना, और बालिकाओं की एक सेना थी जिनको कि मंजरी सेना कहा जाता था। नाम दिया गया था मंजरी सेना बालिकाओं की सेना को, और बालकों की सेना को वानर सेना नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जिस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था, वो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो मनाया था 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान नाम के अलग मुस्लिम देश की मांग का प्रस्ताव पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसी कारण से इस दिन 23 मार्च 1940 को दिन ही पाकिस्तान दिवस के रूप में मुस्लिम लीग मनाया था। अगला प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कृति है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की रचना की थी। इस हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म के जितने भी संघर्ष हैं और उनके अनुभव हैं, उनकी चर्चा इस पुस्तक में की है। आपको इसके अलावा बता दूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो जिस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का प्राप्त हुआ वो था भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इस 1919 के अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी बता दूँ कि दुनिया में सबसे पहले जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था वो न्यूजीलैंड में दिया गया था। न्यूजीलैंड में दिया गया, कब दिया गया था? तो 1893 में दिया गया था, 1893 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा जो व्यक्त की थी वो चौधरी रहमत अली ने की थी। मैंने पहले ही डिस्कस किया था, पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा चौधरी रहमत अली ने की थी, जबकि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा जो प्रकट की थी वो मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1927 में झंडा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो 1927 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था, जबलपुर में हुआ था, और इस झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस झंडा सत्याग्रह के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो था तिरंगे झंडे को फहराना। इस कारण से करीब 1700 से ज़्यादा आंदोलनकारी आंदोलन जो करने वाले थे उनको जेल में डाला गया था, और ये झंडा सत्याग्रह भारत के जो तिरंगे थे उसको फहराने के लिए ये चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है, कबीले लोगों ने मलंग बाबा कहकर किसे संबोधित किया था? तो मलंग बाबा कहकर कबीलों ने महात्मा गांधी को संबोधित किया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी को मलंग बाबा खान अब्दुल गफार खान ने भी कहा था। छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट किया गया था मुंबई से, वो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 से की गई थी। 9 अगस्त 1942 से की गई थी और यह महीना अगस्त का था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वो था पैट्रियक। मैडम भिकाजी कामा ही वह पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में फहराया था। 1907 ईस्वी में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा मैडम भिकाजी कामा ने जिनेवा में वंदे मातरम जनरल का प्रकाशन किया था। वंदे मातरम, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पैट्रियक मैडम भिकाजी कामा ने कहाँ से? पेरिस से। जबकि वंदे मातरम कहाँ से? जिनेवा से किया था। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ अंतरिम सरकार
अंतरिम सरकार का स्थापना किया गया। तो भारत के बाहर सर्वप्रथम जहां अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी वो थी अफगानिस्तान में, और इसकी स्थापना किसने की थी, वो महेंद्र प्रताप ने की थी, महेंद्र प्रताप ने की थी। भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो 1946 में किया गया था, और इसके जो उपाध्यक्ष थे जीएल नेहरू, और गृह या सूचना मंत्रालय का जो कार्यभार था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो जीएल नेहरू थे। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत के बाहर सर्वप्रथम अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया गया, तो अफगानिस्तान में किया। किसने? महेंद्र प्रताप ने किया। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी जो संस्था थी वो थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। इस इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे? लंदन में, लंदन में की गई थी। और किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो एमजी रानाडे थे। तो सीरीज आपको याद रखना है, रानाडे गोखले और गांधी। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के जो गुरु थे एमजी रानाडे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मुजफ्फरपुर कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर कांड में जिस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर कांड क्या था? तो कलकत्ता के जज हुआ करते थे किंग फोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया गया था इस मुजफ्फरपुर में, और इसी के आरोप में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी कोलकाता अधिवेशन 1917 के लिए। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट वो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अच्छा, गीता रहस्य पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने किस बातों की चर्चा की है? तो गीता रहस्य पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य रूप से बताया है कि गीता में जो कर्म का उद्देश्य दिया गया है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, इसी को विस्तृत रूप में बाल गंगाधर तिलक ने व्याख्या की है। किस में? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक में। और इसके व्याख्या के बाद देश के जो भी क्रांतिकारी थे उनके मन में अपने कर्मों के प्रति जागरूकता आई और देश के स्वतंत्रता संघर्ष में उनका योगदान बढ़ा था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खान नहीं थे, वो थे मुश्ताक अली। मुश्ताक अली मुस्लिम लीग के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे, जबकि अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे आगा खान को मुस्लिम लीग का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि मुश्ताक अली पहले अध्यक्ष थे जब और अस्थाई भी थे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो मुश्ताक अली थे, जबकि मुस्लिम लीग के अस्थाई अध्यक्ष 1908 ईस्वी में आगा खान को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था।
सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके प्रभावी जो वाणी हुआ करती थी वो काफ़ी प्रभावशाली थी, किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। तो प्रभावशाली वाणी होने के कारण ही इन्हें भारत कोकिला के नाम से दिया गया था, वर्णन किया गया था, को संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला खान ने किया था। कब? तो 1906 में ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है, शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर पंजाब जिसका उपनाम है वो है लाला लाजपत राय। इसके अलावा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को, और शेर पंजाब के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसका कथन है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। यह जो नारा दिया था इन्होंने कब दिया था? जब इन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1916 में की थी, उसी के समय इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। आपको एक बात और बता दें तिलक के बारे में, इनको बचपन में बाल या फिर बलवंत कह के पुकारा जाता था, बलवंत या फिर बाल के नाम से जाना जाता था, जबकि इनका वास्तविक जो नाम था वो था केशव। तिलक का जो वास्तविक नाम था वो था केशव, बचपन में इसे बाल या बाल बलवंत के नाम से पुकारा जाता था, और इनके पिताजी का नाम जो था वो गंगाधर था, इसलिए इसमें बाल गंगाधर तिलक में जो जोड़ा गया है सारा शब्द वो बाल है, बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम, और गंगाधर इनके पिता का नाम है। अगला प्रश्न है, विलियम वेडनबर्ग ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये थी दो बार, क्योंकि ये पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने दो बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1889 मुंबई की और 1910 इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। तो विलियम वेडनबर्ग ने 1889 मुंबई और 1910 इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाउ इंडिया वोट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? हाउ इंडिया वोट फॉर फ्रीडम के लेखक है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया हैं। पट्टाभी सीतारमैया को ही हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। कब की थी? तो 1865 में की थी। तो ये था आज का और इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इससे बाहर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इंडियन स्ट्रगल से बाहर नहीं आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपका जितने भी एग्ज़ाम है उसका तैयारी अच्छा होगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।